हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वर्क लर्निंग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है, इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेज यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्जाम का क्लासेज चल रहा है दोस्तों, ठीक है, जिसका अब तक हम लोगों ने बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक को डील कर लिए हैं। आपको बता दें कि हम लोग नॉन टेक पार्ट में दोस्तों हिस्ट्री का पूरा टॉपिक देख चुके हैं, प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री, आधुनिक हिस्ट्री और भारतीय संस्कृति। ये सभी टॉपिक हम लोग 5 वीडियो में देखे हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे हैं वो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आज यूपी ट्रिपल एस सी जेई का 6ठा लेक्चर है, ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुके हैं और डेली 8 PM में होता है। दोस्तों, आज नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ज्योग्राफी यानी भूगोल। भारत का भूगोल से अब तक हम लोगों ने जितने यूपी ट्रिपल एस एग्जाम में अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी का एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले आप लोग को मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ दोस्तों। जो स्टूडेंट लगातार कमेंट करते रहते थे पीडीएफ को लेकर के, लगातार स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करते रहते थे पीडीएफ को लेकर के, तो आप लोगों को उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया गया है दोस्तों। स्टडी मटेरियल का जो कि डेली आप लोगों को प्रोवाइड होगा, ठीक है, उसी की वजह से दोस्तों बीच में एक दो दिन क्लासेस डिस्टर्ब रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है चैनल पे, यहाँ से जाकर के प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, स्टडी इंडिया अड्डा डॉट कॉम वेबसाइट बना लिया गया है। इस वेबसाइट को आप लोग लिख लीजिए, गूगल में सर्च करना होगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग को डेली क्लासेज का पीडीएफ जो है डेली अपलोड होते रहेगा और यहाँ से फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। साथ साथ में लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, साथ साथ में दोस्तों फ्री पीडीएफ, करंट अफेयर्स, लेटेस्ट न्यूज, क्लास पीडीएफ, आंसर की, जॉब एजुकेशन, सभी इंफॉर्मेशन यानी जॉब पोर्टल, साथ साथ में यहाँ पे क्लासेज का पीडीएफ भी यहाँ पे अपलोड होगा। देख सकते हैं यहाँ पे फ्री पीडीएफ में सारा जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा जो है एग्जामिनेशन वाइज भी। और यहाँ पे क्लास पीडीएफ में जब क्लिक कीजिएगा तो आपका डेली जो क्लास जिस शेड्यूल से चल रहा है उसी शेड्यूल से यहाँ पे क्लासेज अपलोड हो जाएगा, क्लासेज का वीडियो और पीडीएफ साथ में। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी का 6 लेक्चर हम लोगों ने देख चुके हैं, 5 लेक्चर, तो 5ों लेक्चर का यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दिया गया दोस्तों। क्लास 1 देख सकते हैं, क्लास 1 का, उसी तरीका से क्लास 2 का, उसी तरीका से देख सकते हैं क्लास 3 का, क्लास 4 का एंड क्लास 5 का। इस पे क्लिक आपको जाना होगा क्लास पीडीएफ में, ठीक है, और यहाँ पे क्लास 5 का एक मैं ओवरव्यू दिखा दूँ कैसे डाउनलोड करना होगा। तो क्लास पीडीएफ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे क्लास नंबर 5 का। तो यहाँ पे नीचे जाने के बाद दोस्तों स्क्रॉल कीजिए नीचे की ओर, यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे जाना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फ्री पीडीएफ क्लास 5 डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो डायरेक्ट यहाँ से आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, या फिर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट न्यू टैब में ओपन होकर के आप लोग के लिए क्लास का पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं डाउनलोड हो गया, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और हर जगह शेयर करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। सारा जो है क्लास का पीडीएफ भी आप लोग को साथ साथ में अपडेट कराते जाऊंगा, क्योंकि लगातार स्टूडेंट डिमांड करते रहते थे क्लासेज का पीडीएफ साथ में प्रोवाइड कराइए, तो आप लोग को वो चीज उसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया गया है, ठीक है। जो सीरियस तरीका से गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम को प्रिपरेशन करना चाहते हैं कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। और वीडियो को सभी लोग लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके दोस्तों। आप लोग वेबसाइट का नाम जो है लिख लीजिए studyindiaadda.com, ठीक है दोस्तों, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के सारा रेलवे, SSC, बैंकिंग, टीचिंग जॉब, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, करंट अफेयर, सारा पीडीएफ वहां पे आप मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ का हब बनने जा रहा है वहां पे, अभी जो है यहां पे धीरे धीरे अपलोड हो रहा है दोस्तों। अभी यूपी ट्रिपल एससी का 5 लेक्चर का पूरा अपलोड कर दिया गया है, तो वहां से जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं, साथ साथ में सभी लोग कमेंट करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखते हैं हर एक क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, कोंकणी कहां का ऑफिशियल लैंग्वेज है, शासकीय भाषा है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा।
कोकनी कहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है? दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दमन एंड दीव का। दमन और दीव भारत का पश्चिमी तट यानी अरब सागर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, सभी को पता होगा। और इसकी राजधानी कहाँ है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दमन है। तथा शासकीय भाषा कोकनी, हिंदी, गुजराती तथा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करता हूं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आइए। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? सभी के द्वारा आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। आपको बता दें कि भारत में कुल 9 राज्य तट ऐसा है दोस्तों, 9 राज्य जो ऐसा है जो तट रेखा से घिरा हुआ है, जिसमें 5 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे गुजरात सबसे ज्यादा है दोस्तों 1214 किलोमीटर, उसके बाद आंध्र प्रदेश है जो कि 973 किलोमीटर है, तमिलनाडु जो है 906 किलोमीटर लगभग है दोस्तों, एंड महाराष्ट्र 552 किलोमीटर है। कभी कभी सीरीज में भी आपको पूछ सकता है। केरला जो है 570 किलोमीटर के लमसम है, यानी सबसे ज्यादा की बात करें लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन तो आपका गुजरात होगा जो कि 1215 किलोमीटर लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ, अबू धाबी कहां की राजधानी है? सभी के द्वारा आंसर आना चाहिए। जितने स्टूडेंट लाइव हैं सभी लोग एक बार पहले वीडियो को लाइक कर दें और हर जगह शेयर कर दें ताकि सभी को ये इंफॉर्मेशन पता लग सके। दोस्तों अबू धाबी कहां की राजधानी है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यूएई का, यूनाइटेड स्टेट अरब अमीरात का दोस्तों अबू धाबी राजधानी है। और नीदरलैंड का राजधानी पता ही होगा एमस्टरडम है दोस्तों, और दक्षिण कोरिया का तो सियोल है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इटली का रोम हर किसी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पणजी इज द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट, पणजी किस भारतीय राज्य का राजधानी है? हर किसी से कमेंट आना चाहिए दोस्तों। पणजी जो है गोवा का राजकीय राजधानी है, पणजी गोवा का राजधानी है दोस्तों। और आपको बता दे गोवा से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर एक पूछा जाता है, नो डाउन होना चाहिए। गोवा में 1961 तक पुर्तगालियों का शासन रहा था, कब तक? 1961 अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और 1987 में दोस्तों 1987 में यह केंद्र शासित प्रदेश जो है, ये जो है केंद्र शासित प्रदेश 1987 तक इसको बनाया गया था, 87 तक रहा था, इसके बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर हर स्टूडेंट से आना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा सेवंथ स्थान है दोस्तों, सातवां स्थान है, ठीक है। भारत का सातवां स्थान है। सबसे बड़ा कौन सा है आपको पता होगा, सबसे बड़ा रसिया है दोस्तों, उसके बाद कनाडा है, ठीक है। रसिया होगा, कनाडा, उसके बाद चाइना है, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया है, ठीक है। सीरीज भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपको सीरीज से क्वेश्चन भी बना दिया जाता है क्वेश्चन को। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? करेक्ट आंसर होगा मुकुट पर्वत। पर्वतों की ऊंचाई क्रम में दोस्तों कंचनजंगा का सबसे ज्यादा है, 8586 मीटर है, और नंदा देवी का 7816 मीटर है, और कामेट है दोस्तों इसका 7756 मीटर है, और मुकुट पर्वत है ये बहुत कम है, 7242 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मनसर, डुगरपुर, चुरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में? ये सब शहर जो है दोस्तों भारत के किस राज्य में है? जिस स्टूडेंट को इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है तो डिटेल में आप लोग को यहां पे करवाया जाता है दोस्तों, तो आप लोग डेली हैबिट बनाइए ताकि हर क्वेश्चन को आप डाउट को क्लियर हो सके। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा राजस्थान, ठीक है। मनसर, डूंगरपुर, चुरू, नारलाई ये सब शहर है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय ऑन इट्स नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किस ओर से घिरा है?
ये घिरा है दोस्तों बांग्लादेश से, ठीक है। त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण पश्चिम तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश की बीच की सीमा 4096 लगभग में है, 4096 किलोमीटर है, ठीक है, जो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ढलाई और उन्नाकोटी आर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, ढलाई और उन्नाकोटी कौन से राज्य के जिले हैं? ये है दोस्तों त्रिपुरा का, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, टेंथ नंबर क्वेश्चन पे आइए, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ, पोर्ट ब्लेयर कहां का राजधानी है? ये है अंडमान निकोबार आइसलैंड का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी से आंसर आना चाहिए। व्हाई इज कोयम्बटूर कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? सभी द्वारा आंसर आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहां पे कपास उद्योग ज्यादा है, ड्यू टू इट्स कॉटन इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत व्हाट इज द नंबर ऑफ आइसलैंड इन निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? बहुत बार इस चैनल पर करवाया गया क्वेश्चन, 19 टोटल द्वीप है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि यहां पे कंफ्यूज बहुत लोग हो जाते हैं कि लगभग 90 नहीं 200 के लमसम है, तो आपको बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसमें टोटल 247 छोटा छोटा द्वीप है, जिसमें यहां पे आपको निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहा है, तो निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार में कुल 19 जो है द्वीप है, ठीक है, 19, कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ दिस टेरिटरी रिलेटेड टू ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम इट करेक्टली मैच, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? उस सिद्धांत का नाम है दोस्तों टाइडल हाइपोथेसिस, जेम्स जेन हॉडले जेफ्री, ठीक है, हैरोल्ड जेफ्री, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दिस इज नोट अमंग द इंपॉर्टेंट हिल रिसोर्ट ऑफ लेसर हिमालय और द हिमाचल, इनमें से कौन कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो करेक्ट आंसर बानासुर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेज थ्रू ए 5 स्टेट, विच ऑफ दीज स्टेट इज नॉट अमंग द 5, भारतीय राज मेडेरियन 5 राज्यों से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? उस स्टेट का नाम क्या है दोस्तों? उस स्टेट का नाम है बिहार, ठीक है, अपना बिहार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच इज द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भारत का मानक मेडिटेरियन 82 डिग्री ईस्ट देशांतर में दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए कि यह उत्तर प्रदेश जो कि में प्रयागराज जो है दोस्तों, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। और ये भी आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है कि यह ग्रीन बीच मेरिडियन से ग्रीन बीच 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए गल्फ इन द इंडियन टेरिटरी, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गल्फ ऑफ अकावा की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
विच ऑफ दिज नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज रॉन्गली मैच विथ द नेशनल स्पोर्ट्स, भारत में इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अफगानिस्तान बुकाजी से क्रिकेट, बांग्लादेश क्रिकेट, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं कबड्डी है, ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कबड्डी का उद्गम जो है भारत में हुआ था, और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुक्काजी, और भूटान का तीरंदाजी, और नेपाल का वॉलीबॉल, ठीक है, ये बांग्लादेश का क्रिकेट नहीं है, यहाँ का कबड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एंड इन द अरेबियन सी, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा नदी की लंबाई अक्सर पूछा जाता है 1312 किलोमीटर है, नोट डाउन कर लीजिएगा 1312 किलोमीटर है। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणिया से दोस्त में है और अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है दोस्तों, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन विच स्टेट इन द भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। उस स्टेट का नाम है दोस्तों कर्नाटका, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कुछ और भी मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन जीव अभयारण्य के बारे में बता रहा हूँ, नोट डाउन कीजिएगा, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हजारीबाग वन जीव अभयारण्य कहाँ है, झारखंड में है, अक्सर पूछा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो अक्सर पूछा जाता है, जो गुजरात में है दोस्तों। जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड में है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चंद्रप्रभा भी उत्तर प्रदेश में है। शिमली फॉल जो है उड़ीसा में है। मधुमलाई तमिलनाडु में है। बंदीपुर कर्नाटका में है, ठीक है। मानस आसाम, काजीरंगा आसाम है। रणथंभौर राजस्थान, और घाना राजस्थान में, ये सभी जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऑन व्हिच रिवर इन द चमेरा डैम बिल्ड, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। उस नदी का नाम है दोस्तों रावी नदी, ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चमेरा बांध रावी नदी पर बनाया गया जो दोस्तों, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन विच स्टेट इन द थोसेघर वाटरफॉल लोकेटेड, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो है महाराष्ट्र में जलप्रपात स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकों के दल ने किया था। सब लोग कमेंट कीजिएगा, वो है दोस्तों मंगल ग्रह पे, ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये अगस्त 2015 का वैसे करंट अफेयर था दोस्तों, जो ये एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, ऐसे ये अब करंट अफेयर्स तो रहा नहीं, अब ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, हिस्ट्री क्या बोल सकते हैं, भूगोल बोल सकते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है। ऊंट को बोला जाता है, सभी को पता होगा, ठीक है, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों ऊंट का पैर गदीदार होता है, ठीक है, और उसके पैर बालू पर तेजी से चलता है, और ये कटीले वनस्पति जो मरुस्थल में ज्यादा उगते हैं दोस्तों, उसको भी प्रतिरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। दलहन जो है कानपुर में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किस विशेष फसलों के लिए है। उस फसल का नाम है गेहूं और चावल, ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आलू शिमला के लिए फेमस है, नोट डाउन कर लीजिएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है शिमला में, कुफरी जो है तो कुफरी नाम से फेमस है दोस्तों, जो कि शिमला में पड़ता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है दोस्तों, जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में होता है, और आंवला में पता ही होगा कि विटामिन सी होता है दोस्तों, और आपको ये भी पता होगा कि आंवले की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी होना चाहिए, ठीक है। और एक इससे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसका प्रजाति एक है
N7 कंचन और लक्ष्मी 52 जो कि नया प्रजाति है। ये भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? भारत में कुल सिंचित क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों तो 47% है, और कुआं व नलकूप की बात करें तो 57 है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये भारत में रजत क्रांति जो कि सिल्वर रिवॉल्यूशन से नाम से जाना जाता है वो किससे रिलेट करता है दोस्तों? सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडा और चिकन उत्पादन से रिलेट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में रजत क्रांति का संबंध अंडा और चिकन उत्पादन से है, जबकि कपास को सफेद सोना भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन भाई, ये भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, किनको श्रेय दिया जाता है दोस्तों? सभी को पता होना चाहिए, बहुत फेमस थे और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूं जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कभी ना कभी। भारत में हरित क्रांति का लाने का श्रेय M.S. स्वामीनाथन को ही जाना जाता है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ था 1966 से 67 जो है में हुआ था। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव हुआ था दोस्तों गेहूं और चावल की कृषि पे। ठीक है, लेकिन चावल की तुलना में गेहूं का उत्पादन अत्यधिक वृद्धि हुआ था, सबसे ज्यादा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों, जो कि यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, ये टोटल 9 राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहाँ स्थित है? आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर बहुत को पता होगा, बहुत बार जिक्र किया गया है, हैदराबाद में है। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी जो है ये भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए दोस्तों ये संस्थान बनाया गया है, और यह अकेडमी हैदराबाद में है। और आपको बता दें कि इस अकेडमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 में हुआ में इसको जो है स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओ कावेरी मैसूर का पठार, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ताप्ती बेतुल पठार ही सही है, सोन नदी, पिंडरा पठार, गोदावरी, त्रंबक पठार, बिल्कुल ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर। कावेरी मैसूर पठार में नहीं है दोस्तों, कावेरी नदी पश्चिमी घाट और ब्रह्मगिरी जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक है, मैसूर पठार इसका कोई रिलेट नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये शिल्पीला दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? शिल्पीला दर्रा जो दोस्तों सतलज घाटी में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। शिल्पीला दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही फेमस घाटी है दोस्तों, और यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। और आपको बता दें कि सतलज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से जो है भारत में एंट्री करता है, इसीलिए दोस्तों हम लोग यह जो है सतलज घाटी में स्थित है, इसलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित करता है? भूरी क्रांति दोस्तों, भूरी क्रांति सभी लोग कमेंट कीजिएगा, यह जो है उर्वरक के उत्पादन में जो है तेजी किया था, भूरी क्रांति उसी से रिलेट करता है दोस्तों, जबकि खाकी क्रांति जो है कच्चे चमड़े के उत्पादन के लिए, खाकी क्रांति आया था, और श्वेत क्रांति तो दूध डेयरी से रिलेट करता है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय लंबी आर्द्र भूमि है, लवणीय आर्द्र भूमि है? वो है राजस्थान। भारत में सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय लवणीय आर्द्र भूमि राजस्थान स्थित सांबर नामक झील में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? वो है मुंबई। ठीक है, मुंबई शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है दोस्तों, यह मुंबई में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहां स्थित है?
कन्याकुमारी सभी को पता होगा भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा कर्क रेखा के दक्षिण में है, ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर और कर्क रेखा के दक्षिण में है, ठीक है। और यह भारत के पैजिया के गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई है। उच्चतम वार्षिक वर्षा जो है दोस्तों मसीराम मेघालय में होता है, जो कि सभी को पता होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है जो है मसीराम मेघालय जो है दोस्तों लगभग 11,872 एमएम यहां पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मथुरा डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित किया गया है। इसका मेन रीजन है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है, IOCL, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मथुरा डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है और यह महारत्न कंपनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। उस मंडल का नाम है मिर्जापुर, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कावनी हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। उस नदी का नाम है कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलता है दोस्तों और ये लगभग 805 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। वो कंट्री है इंडिया, भारत, ठीक है, प्रथम स्थान पे चाइना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारत में पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। भारत में पृथ्वी के धरातल का कितना परसेंट घेरा हुआ है, 2.4%, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, ठीक है, टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वो है दोस्तों ऑप्शन सी भारत, ठीक है, भारत जो है नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। गंडक सिंचाई परियोजना किन देशों का एक संयुक्त प्रयास है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और बिहार का, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। उस नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है दोस्तों। आई होप, आशा करता हूं कि ये सेशन से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और क्लासेस का पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नोट डाउन कीजिए studyindiaadda.com, ये वेबसाइट है दोस्तों। इस वेबसाइट पे जो है जाइए, गूगल में सर्च कीजिए, देख सकते हैं ये वेबसाइट है। यहाँ पे जॉब पोर्टल प्लस साथ साथ में क्लासेज का सारा पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है दोस्तों, देख सकते हैं। आपको जाना होगा इसमें क्लास पीडीएफ में, ठीक है, फ्री पीडीएफ में भी रहेगा या फिर क्लास पीडीएफ में जाइए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं सभी क्लास 5 तक यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है UP SSSE JEE का, और सभी है यहाँ पे 4, 3, 2, 1 सभी यहाँ पे अपलोड कर दिया गया, यहाँ से जा करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।